पंचकुला में आज जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन के पद के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें सर्वसहमति से दोनों पदों पर चुनाव पूरा हुआ है। पंचकुला के सेक्टर एक जिला सचिवालय में आज जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन के लिए मतदान होना था, लेकिन कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से पंचकुला के मोरनी के थापली से सदस्य वार्ड नंबर 4 से सुनील शर्मा को चेयरमैन चुन लिया गया। इसके साथ ही बरवाला की पूजा देवी को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर चुना गया है। पंचकुला के सेक्टर एक जिला सचिवालय में जिला परिषद के 10 में से सभी 10 सदस्य पहुंचे थे और इस अवसर पर कालका विधानसभा से विधायक और कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे। मैं अपने कालका के सभी जागरूक मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसे बहादुर, ऐसे निष्ठावान जो पार्षद बनाकर भेजे, जिन्होंने सरकार के किसी भी हथकंडे जो अपनाए गए, किसी सबको घबरा कर जो भी धमकियां दी गई, लोभ दिया गया, लालच दिया गया, लेकिन हमारे जो साथी थे जिला पार्षद के मेंबर, ये बहुत अपनी स्टैंड रखा इन्होंने और जनता की जो भावनाएं थी, जो बीजेपी की 10 की 10 सीटें हारी थी उसके खिलाफ जो इन्होंने अपना चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया, इसके लिए काम सभी मतदाताओं को। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, कुछ और खबरों का रुख करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।